वेलकम फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल थर्मोमीटर हैव द सेम रीडिंग एट 60, 100, -4 या -14। देखो हमारे पास एक फार्मूला है जो कि फारेनहाइट को और डिग्री को रिलेट करता है, 9/5C+32। हमने बताना है किस टेम्परेचर पर दोनों की जो दोनों थर्मोमीटर पर सेम रीडिंग आएगी। तो हम कह लेते हैं F इज इक्वल टू C, ये बताना है दोनों बराबर हैं। इस टेम्परेचर पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो है ना टेम्परेचर X है, इस टेम्परेचर पर दोनों थर्मोमीटर पर सेम रीडिंग आएगी। तो हम इन दोनों की जगह जो है ना X वैल्यू पुट कर लेते हैं F और C की जगह। X इज इक्वल टू 9/5X+32, ठीक है। अब X इज इक्वल टू -9/5X=32। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेना क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा मैं करूंगा, तो x इज इक्वल टू आएगा -40। तो मतलब कि -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों थर्मामीटर पर सेम रीडिंग आएगी। तो d इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल, ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है और बताना है केल्विन स्केल पे। याद रखना आपको पता होना चाहिए कि डिग्री में ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो होता है 37 डिग्री, ठीक है। अब फारेनहाइट में हम वही फार्मूला यूज करके जो हमने पहले यूज किया है उससे हम फारेनहाइट में निकाल सकते हैं, या आप सी की वैल्यू डालना 37 + 32। मैं इसका आंसर लिख दूँ, आंसर लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है फारेनहाइट में 98.6 होता है, ठीक है फारेनहाइट। तो देखो अब ये हमें हमने निकालना किसमें है, केल्विन में। देखो केल्विन में निकालने का हमारा फार्मूला है, टेम्परेचर हम केल्विन में निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डिग्री में है। उसमें हम 273 अगर ऐड कर दें तो हम डिग्री से केल्विन में जा सकते हैं। डिग्री है 37 और प्लस 273 ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर लेना जवाब आएगा 310। तो मतलब कि 310 केल्विन इंसानी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है। तो 310 केल्विन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस व्हिच स्ट्रिक्टली ओबेज ऑल द गैस लॉज इज सेड टू बी, जो सारे गैस लॉज को ओबे कर लेती है उसे हम कहते हैं आइडियल गैस, क्योंकि रियल गैस जो है ना ओबे नहीं कर सकती, वह खास कंडीशन होती है तो ओबे कर लेती है लेकिन नॉर्मली नहीं करती। तो जो ओबे करती है वो होती है आइडियल गैस। तो इसमें आइडियल गैस कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दीज। देखो इस बात को थोड़ा समझो, लेट्स सपोज ये कोई कंटेनर है, देखकर समझ लो, यहाँ ये इतना ये है ना वाटर की सरफेस है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़े दूर दूर ही होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसको हीट देते हैं, जब हमने क्यों हीट दे दी, लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है बिल्कुल सरफेस के पास, सरफेस पर आने के लिए इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, सरफेस पर आएगा यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत ज्यादा जो है ना प्रेशर देते हैं, प्रेशर का रिलेशन होता है 1/V। लेट्स सपोज ये वाटर की सरफेस है, उसका जो है ना जो हमने प्रेशर दिया उसका वॉल्यूम रिड्यूस होकर ना मॉलिक्यूल जो है ना बहुत करीब करीब आ गए, सारे यहीं आ गए, जिसे कहते हैं ना इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ हीट देते हैं तो यहाँ से मॉलिक्यूल को यहाँ आने के लिए ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ से ज्यादा एनर्जी लेगा हीट एनर्जी से, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी लेके फिर यहाँ से पार्टिकल जो है ना सरफेस पे आएगा। तो मतलब कि जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए सरफेस पे आने के लिए, फिर इवेपोरेट होने के लिए। तो इसका मतलब है कि उसको ज्यादा एनर्जी जब चाहिए, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर गया। तो हमने क्या अभी देखा कि प्रेशर इंक्रीज होने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। इसका आंसर तो हो गया
इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। यही बात समझो, एक और बात बता देता हूँ। जैसे हम जाते हैं कोई, हम लेट्स सपोज K2 जो माउंट एवरेस्ट पे चले गए, बहुत ऊंचाई पे चले गए, तो यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ना ये कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो जो है कितने गैस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा कम होती रहती है, तो प्रेशर कम होता रहता है। तो जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, इसीलिए लिक्विड जो है ना हायर मतलब कि एल्टीट्यूड पे जाके उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने सी पी ओवर सी वी को हम कहते हैं ये गैमा, ये डाई एटॉमिक गैस में इसकी वैल्यू क्या है। ये आपको याद पता हो कि इस गैमा की वैल्यू आपको मोनो के लिए पता होनी चाहिए, डाई के लिए भी और ट्राई एटॉमिक तीनों के लिए पता होना चाहिए, कोई भी आ सकती है। तो इसका एक फार्मूला है वो आप याद करना, 1+2/F। एफ ये जो है ना ये शो रिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। देखो एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन जिसमें एक एटम है, तो या तो ये एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है या वाई में या जेड में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। तो ये 1+ फार्मूला में यहाँ डी पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.69। ठीक है, अब दूसरा है डाईटॉमिक लेटिस, ये लेट्स सपोज जिसमें दो एटम होते हैं और आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये या तो पूरा का पूरा बॉन्ड या एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में जा सकता है, 3 ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम तो होते ही होते हैं। अब ये लेट्स सपोज ये बॉन्ड है, ठीक है, अब ये या तो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज मूव कर सकता है या क्लॉक वाइज मूव कर सकता है, तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो दो इसके हो गए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल, तो इसके हो गए 5। तो फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं 1+2/5, तो इसको सिंपलीफाई कर लेना जवाब आएगा 1.40। इसका राइट आंसर है 1.40। आपने जो है ना ट्राई एटॉमिक का खुद करना है, बता दो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके जो है ना 7 होते हैं, यहाँ एस की इधर 5 की जगह जो है ना 7 पुट करना, जवाब आ जाएगा 1.29। ठीक है, तो इस वक्त जो राइट आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये भी अच्छा सवाल है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V, पी ये देखिए ना ये वी नहीं है 1/V है, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V में क्या होगा, पैराबोला हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन। देखो पी इज इनवर्सली होता है 1/V, ठीक है। देखो लेट्स सपोज जहाँ यहाँ पता है कि जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, तो यही अब बात समझना। लेट्स सपोज मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पी और 1/V के दरमियान, ठीक है, प्रेशर को मैं डबल करता हूँ तो हमें पता है वॉल्यूम कितना हो जाता है, हाफ, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 2P = 2 1/V, मतलब हमने प्रेशर को अगर हमने डबल किया तो 1/V भी क्या हो गया, 2 times, ठीक है। तो ये देखो ग्राफ में अगर ये 1 है, ये 2, ये 1 2, दोनों को यहाँ मिला दो। अब लेट्स सपोज मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 10 times, तो 10P और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 times हाफ हो जाएगा, 10 times भी कम हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 10P = 10 1/V, देखो प्रेशर में 10 times इंक्रीज किया, वॉल 1/V भी 10 times इंक्रीज हो गया। तो लेट्स सपोज देखो यहाँ लेट्स सपोज ये 2, 3, 4, यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, तो दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 10 से। तो ये देखो हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है, मैंने ड्रा नहीं कर सकता लेकिन हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल इक्वेशन विच रिलेट्स ऑल द 3 वेरिएबल्स इज गिवन बाय, देखो पी वी इज इक्वल टू एन के टी कह लो या एन आर टी कह लो, ये डिपेंड करते हैं क्या आप देख रहे हैं, ठीक है ना, पी वी ओवर टी ये कॉन्स्टेंट होता है
हमारे पास जो इसका राइट आंसर हुआ वो है पी वी ओवर डी कॉन्स्टेंट ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट विच नो गैस रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं 0 केल्विन, कि कोई भी गैस गैसियस स्टेट में नहीं रह सकती, या तो वो टर्न्स आउट हो जाएगी, टर्न्स आउट टू बी इन लिक्विड और सॉलिड, मतलब कोई भी गैस गैसियस स्टेट में रह सकती एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पे। तो ये राइट आंसर है वो है बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला एक याद कर लो, बाकी खुद ही उसे निकाल लिया करो, के एन ए होता है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ओवर एन ए, ठीक है। तो के इज इक्वल टू आर ओवर एन ए, इन तीनों में कोई भी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा सवाल है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, देखो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है ना, जैसे 3 डिग्री फ्रीडम होते हैं ना ट्रांसलेशनल, पर डिग्री फ्रीडम, लाइक फॉर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ के बी टी, जैसे कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम तीनों डिग्री फ्रीडम की बात करें तो तीनों को ऐड कर लो, 1/2 + 1/2 + 1/2 + तो आ जाएगी 3/2 kBT, ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कितनी है, 3/2 kBT। अब यहाँ जो हमें यही बताना था कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है आइडियल गैस में, तो 3/2 kBT कहेंगे, ये एन है, एन नहीं आना था, यहाँ 1 आना था, तो इसका मतलब है कि कोई भी नहीं है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बात समझना। अब यही अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, बात बताता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल, अब ये समझना, वहां था मॉलिक्यूल, अब यहाँ है मोल, एक मोल का मतलब है कि 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है, अब बात समझना। तो हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 kBT, ठीक है। एक हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर को कनेक्ट करता है, ठीक है। हमने कहा है कि n, ये 1 मोल की बात कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल करता है 1, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n a के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो हम n की जगह ना पहले यहाँ लिखते हैं, पहले यहाँ एक मॉलिक्यूल था, अब हम कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स की, 3/2 kBT n मॉलिक्यूल, और n किसके बराबर हमने लिखा है, n इक्वल टू na, तो यहाँ na पुट करो कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक। अब देखो ये 3/2 को हम इधर ले, na और kb, अभी मैंने बताया है कि पिछले फार्मूला यूज किया है, ये होता है r के बराबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, 3/2 RT, ये फर्क देखना, वहां अगर मोल की बात हो तो यहाँ आर आता है, अगर मॉलिक्यूल की बात हो तो यहाँ के बी आता है, तो 3/2 RT इज द राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की जानिब, देन सम सॉलिड मटेरियल्स आर हीटेड, देन जब सॉलिड मटेरियल्स को ना, मोस्टली हर मटेरियल को ही, तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, होता क्या है, ये एटम्स हैं, ये एक्ट करते हैं लाइक ऑसिलेटरी, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो जब इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है ना थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर जाता है, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाता है, ये ठीक है। जब देखो मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर गया है, ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीज, तो डेंसिटी कम होनी चाहिए ना कि इंक्रीज, ये क्षण गलत है, ये भी गलत है, जो एक्सपैंड सिर्फ इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, देखो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करें, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस इज द राइट आंसर। अगर यहाँ लेंथ की बात होती है तो आता लीनियर एक्सपेंशन, हाँ देखो ऐसे यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसका जो है ना आपको फार्मूला आना चाहिए, एल इज इक्वल टू
ये कि एक इक्वेशन याद कर लो, इससे आप ये अल्फा की वैल्यू निकाल लो, एल ओवर एल नॉट आ जाएगा, या -1 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो यहाँ सिंपलीफाई करके अल्फा निकाल लेना आएगा डी एल एल नॉट और डी टी। तो ये तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके यूनिट। तो ये है टेम्परेचर थ्योरी, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केल्विन -1। तो इसका जो यूनिट है वो है केल्विन -1, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन अ हॉट डे व्हाई क्लोथ्स आर वार्म बिकॉज दे आर गुड। देखो अब ये आपने सुना होगा कि गर्मियों में जो है ना लाइट कपड़े या व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। क्यों व्हाइट इसलिए पहने जाते हैं, लेट्स को ये ह्यूमन बॉडी है या फिर व्हाइट कपड़ा पहना हुआ, ठीक है ना। तो हीट आएगी वो मोस्टली हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन अगर 70% हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ 30% अंदर आने देता है, तो इंसान को गर्मी कम लगती है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में जो है ना लाइट कपड़े पहने, तो ये क्या होता है मोस्टली आपको रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे गर्मी कम लगती है हमें। तो गर्मी में हम सफेद कपड़े पहनते हैं, क्यों, क्योंकि ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। देखो अगर यहाँ 1 मोल होता तो होता मोलर स्पेसिफिक हीट, यहाँ 1 kg है तो यह है स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब भी बात आ जाए ना 1 kg यूनिट की बात आ जाए, ये 1 मोल, इसका मतलब है कि लाजमी बात हो रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ स्पेसिफिक का जिक्र, ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए ये ए आंसर राइट नहीं है, तो बी भी नहीं है, सी भी नहीं, नन ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर, यहाँ आना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 17, हीट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखो हीट ट्रेवल जो है ना कर सकती है, या इसके तीन होते हैं वेव, ठीक है ना, जिसके जरिए हीट ट्रेवल कर सकती है, एक रेडिएशन, एक कन्वेक्शन, कन्वेक्शन सॉरी, और एक रेडिएशन, ठीक है, सॉरी एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव विद द स्पीड ऑफ, देखो हीट है ना ट्रेवल कर सकती है एक जगह दूसरी जगह पे, उसके तीन जो है ना फिनोमेना होते हैं, या होती है कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन। रेडिएशन जो है ना इसमें हीट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहती है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये पहले बार बहुत देर में मोलर लिखा आ रहा है, तो इसका फार्मूला अगर हम होता ना सिंपल, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम 1/m लिखते हैं और आगे वो डी टी, वो डी टी, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है मोलर, तो यहाँ एम की जगह एन लिखेंगे जो कि मोल को डिनोट करता है। तो इसका फार्मूला हमें बताना है, क्यू का होता है जाउल डिवाइडेड बाय एन का होगा मोल और इसका होगा केल्विन, तो जोल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, केल्विन ये भी नहीं है, पर मोल पर केल्विन ये भी नहीं है, ये भी नहीं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है विच इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ए इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज 5 जूल पर केजी पर केल्विन, इन स्पेसिफिक हीट दे दी है 5, देन हीट कैपेसिटी 10 kg, हमें एक ही पता चल जाएगी, हम 10 के निकाल सकते हैं, ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला है सी इक्वल टू एम सी। स्पेसिफिक हीट हम निकालना चाहते हैं कितने भी में, अगर हम एक ही पता चल जाए 50 की 100 की, जितने बड़े सब्सटेंस की निकाल सकते हैं, इसमें हमें बता दिया है कि ऑफ अ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कितनी है 5, ये स्पेसिफिक हीट बता रहा है, ये 5 है, ठीक है, और मैस कितना दे दिया 10 kg, 10, तो सिंपल इसकी जो है ना हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं 50, और इसका यूनिट होगा वो आप कैलकुलेट कर लेना खुद ही जाउल पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी कितनी होगी 50 जाउल पर केल्विन, तो सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, गुड।